हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है अपने गांव थापला से। और दोस्तों अभी हम आ गए, आज हमारा लास्ट दिन है, 19 तारीख है आज, और मैं निकल चुका हूँ कोटद्वार के लिए। अभी अंधेरा ही हो रखा है, 6:30 से ऊपर हो गया टाइम, उजाला नहीं होगा, मतलब 7 बजे तक प्रॉपर उजाला हो जाता है गाँव में शायद, आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि और दिन हम इतनी जल्दी उठे नहीं। ठीक है, और बस आ गई पीछे, वो देखो अपनी बस आ गई, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे। आज मैं कोटद्वार रुकूंगा, कल जाऊँगा वहाँ से दिल्ली। धुंधला धुंधला सा हो रहा है, देखो उधर ठंडा हो रखा है एकदम। इधर वो आ गई बस अपनी, लाइट चलाते चलाते चलाते। अभी भी धुंधला धुंधला हो रखा है यहाँ, इतना ज्यादा उजाला भी नहीं हुआ। ठीक है, और हम निकल चुके हैं, बट भाई के सामने पहुंच गए। मेरे साथ पंकज भी है, कोटद्वार तक कविता भी है, पवनदीप भाई भी है, और यशु भाई जी भी है साथ में, और लाइट जली हुई अभी। ठीक है, ऐसे ऐसा तेरा होगा। यहाँ पे गाड़ी रुकी नहीं, अब रुकती नहीं है यहाँ गाड़ी, ऐसा सुना मैंने। अभी हम रुके हैं सतपुली में, उधर से आए और यहाँ सतपुली में रुके हैं। ये देखो पुल, यहाँ होटल में रुके हैं चाय पीने के लिए बस, और यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में। ठंड बढ़ गई है सतपुल में, हम चाय पीते हुए। यहाँ पे पंकज भी अभी गया हुआ, इधर आ गया पंकज भी, चाय के मजे लेते हैं, फिर यहाँ से अपना सफर आगे के लिए चालू करते हैं। चाय पी ले भाई। आइए सर आइए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? क्या तू तू क्यों नहीं आएगा? अरे मेरे पेपर चल रहे थे, अब मैं आपके पीछे था। ठीक है, दिखा नहीं यार, मैंने करा रोई दिया, आपने सुनाई थी नहीं, इधर देखा था। चल फिर, ठंड लग रही है आपको तो? अरे बहुत ठंड लग गई, ठंड लग रही है यहाँ थोड़ी, इतनी ठंड। अखिल लेने आया था और हम आ गए सिपुर चौराहे पे, यहाँ पे अपने फेवरेट हॉट स्टफ रेस्टोरेंट में, यहाँ पे मसाला कबाब खाने। ये देखो इसका बोर्ड लगा, यहीं पे आते थे हम, और अब भूख लग गई मेरे को, तो मैं यहीं पे बैठूंगा
और हम यहाँ पे मसाला कबाब खा के जाएंगे घर के लिए। ये देखो, आप लोग भी यही आ सकते हैं शिवपुर चौराहे पे, हनुमान मंदिर के सामने। बहुत अच्छे मसाला कबाब, मोमोज वगैरह सब कुछ बनाते हैं भाई यहाँ पे। आपने देखा भी होगा, जो कोटदार के होंगे आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पे। हम यहीं आते हैं अधिकतर, क्योंकि यार टेस्टी बनाते हैं ना वो। चलो अब हम यहीं पे बैठते हैं धूप भाई के साथ। कटपुल में हमने चाय पी, मैंने पंकज ने, पवनदीप भाई ने, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी बस। और अब तो संगनाकोटी में मेरे रुक दी बस, वरना लाडू भाई से मिलते हैं वहाँ पर, बस नहीं रुकी। और हम डायरेक्ट आ गए आगे हैं रोहित भैया। अरे चलो भाई, बाल खराब हो गए, आ जाओ। स्मार्ट क्यों लग रहे हैं रोहित इतने? गोरे हो गया बहुत ज्यादा। यहाँ पहुंचे थे हम, अभी आए थे छत में, और यहाँ पे हमने, मैंने यहाँ से देखा वो एक गाड़ी सी थी वहां पे, ऑटो सा लग रहा है, पता नहीं कैसा है वो। अखिल बता रहा है कि वो क्या है, वो बताएगा डिटेल में क्या है वो। बताया जाएगा कि मतलब हमारे स्कूल में आई थी तो उसमें बताया जाएगा कि मतलब जो मतलब हैकर्स है ना, वो कैसे आपको हैक करते हैं, मतलब आपका फोन, आपकी बैंक डिटेल, आपका डाटा हैक, डाटा हैक, ओटीपी, एआई से मतलब फोटो को ऐसे ऐसे करना। तो उसके अंदर मतलब एक टीवी है और कुछ लैपटॉप है उसके अंदर। हाँ, और उन मतलब वो एक दो घंटे में मतलब स्टार कम्युनिटी हब, मतलब कोटदार हो गया वो, मतलब उत्तराखंड में तो अभी कोटदार, देहरादून, हरिद्वार, इन जगह है ना, और भी कहीं जगह है। लेकिन इसमें बस है ये कि मतलब जैसे बैंक हो गया ना, अब जैसे आपका भी ओटीपी आ गया और आपने क्या करा, आप वो बोलेंगे आपको मेरे को ओटीपी बताओ, आपको इतने रुपये मिल जाएंगे, आप ओटीपी बताओगे आपको रुपये। फिर बीच में लॉटरी वाला चल रहा था, केबीसी से मैसेज नहीं आता था कि इसमें कॉल करो, इसमें ऐसा लगाओ, अपनी बैंक डिटेल्स भरो, और उससे वो हैक कर दे रहे। जैसे अभी फेसबुक में ऐसे पोस्ट आ रखी है ना, अब उसमें एक वो है कि मतलब आपको ना पोस्ट आ रखी होगी और आपने बोला वाह क्या अच्छी फोटो है यार, ये ना ऐसे क्लिक करोगे, और आपने क्लिक करा और उसकी जो आपकी पूरी बैंक डिटेल थी ना, वो मतलब उसमें चली जाएगी किस पे, हैकर के पास। और उसको पहचानने के लिए एक है कि मतलब एक फ़ोटो है उसके ठीक यहाँ पे ब्लू कलर का ऑप्शन होगा, और उससे पता चल जाएगा कि फ़ोटो क्या क्या से क्या क्या कर रखा है। जैसे होता नहीं कभी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं फोटो से, वो हो गया। अरे जैसे कोई आपको लिंक भेजता है तो कि लिंक पे क्लिक हाँ, करते हैं तो उसको एक पहचानने का तरीका है, जैसे HTTP वो आनी होता है HTTP है, जिस पे S लिखा रहा है वो तो गवर्नमेंट की है, और जिस पे S नहीं लिखा रहता वो किसकी हैकर की है। और उन्होंने बोल रखा है जब भी आपको ज़रूरत पड़े 50 मिनिमम लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी लोग हम बता देंगे, मतलब पूरे जिधर आप मंगाना चाहते हो, घर में बनाना, इसको मंगाना, हाँ कहीं पे भी, कहीं भी हो आप, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अच्छा, और उनको पता चले जिनको हैक किया 50 लोग। नहीं नहीं, अगर आपको सीखना है कि मतलब कि मतलब हैक कैसे हो, हैकर से कैसे बचे, हाँ बैंक डिटेल से कैसे बचे। अच्छा ये है तो भाई, ऐसा कुछ सीन है उसका हैकर से बचने के लिए। यहाँ भी गांव के बराबर ही ठंड है, ठीक है, शाम के टाइम हो गया, करीब 6 बज गए हैं, और नाइट का व्यू ऐसा है कुछ, यहाँ का हवा चल रही है अभी ठंडी ठंडी, ठीक है। और मैं यहीं था, मैं वो देख रहा था ऑक्शन, जो IPL का ऑक्शन हो रहा था वो देख रहा था मैं, और मिस्टर स्टार्क ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 24.75 करोड़ में बिका, बाप रे इतना पैसा तो विदेश पे लुटा रहे हैं भाई, विदेशी खिलाड़ियों पे, अपने इंडिया वाले पे लुटा थे किसी पे क्यों। और ऐसा चला ऑक्शन, फिर बैट कम से बिका महंगा, ऐसा कुछ हाल रहा। और मैं ऐसे था, घर में था, मैं कहीं नहीं गया, तो आज ऐसी नाइट बीतने वाली अपनी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको आप कल के ब्लॉग में, जब मैं यहाँ से निकलूँगा दिल्ली के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता अपना वो सफ़र। तो बाय बाय दोस्तों।